टेक्निकल ड्राइंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग एक क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी बना रहे हैं, जिसमें साइड ए बी 3.4 मीटर है, बी सी 5.8 मीटर है, सी डी 6.2 मीटर है और ए डी 5.3 मीटर है। एंगल बी 60 डिग्री है और ये सारे डायमेंशन हमें प्लेन स्केल में से लेने हैं ऑफ 12 mm इक्वल्स टू 1 मीटर। सो पहले गिवन क्या दिया है वो देख लेते हैं। उन्होंने ड्राइंग लाइन दिया हुआ है विच इज 12 mm, 12 mm दिया हुआ है। एक्चुअल लेंथ जो देखे वो 1 मीटर है AL। उसको हम लोग 1000 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमें क्या दिखाना है, हमें AB दिखाना है, BC दिखाना है, CD और AD दिखाना है। सो पहले लिखेंगे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, RF is equal to DL upon AL, DL मालूम है 12, AL 1000, तो ये हमारा RF हो गया। लेंथ ऑफ स्केल क्या होता है, लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू RF इंटू ML। RF कितना है 12 अपॉन 1000। मैक्सिमम लेंथ कितना है, ये देखो 5.2, 6.2, 5.8, 3.4 मैक्सिमम लेंथ हुआ। मैक्सिमम है ना अपना। सो हम लोग लेंगे 7 मीटर, हमेशा याद रखो राउंड डिजिट लेते हैं, तो 6.2 के बाद आता है 7 इंटू 1000 मिलीमीटर, तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 84 मिलीमीटर। अभी 84 मिलीमीटर का लाइन बनाएंगे, हाइट 5 मिलीमीटर, ये स्केल बन जाएगा बराबर 84 मिलीमीटर है, बट है कितना 7 मीटर, तो इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, 7 पार्ट्स में। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। इसको फर्स्ट पार्ट को 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है।
ये हो गया 10 पार्ट्स। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 7 मीटर है ना, तो यहाँ पे मीटर, यहाँ पे डेसीमीटर और यहाँ पे आरएफ लिखेंगे। आरएफ है 12/1000। अभी क्या करेंगे, सारे डायमेंशंस बता देंगे। 3.4, 3 यहाँ से, 4 यहाँ से, बराबर। तो ये 3.4 यहाँ से लेके मैं यहाँ कट कर दूंगा, तो ए भी बन जाएगा। देखो इतना लिया कंपास पे और यहाँ कट कर दिया। उसके बाद बी एंगल दिया है 60। देखो मैंने ऐसे लिया है, आप अंदर के साइड भी ले सकते हैं एंगल। 5.8, तो 5 यहां से, 8 यहां से, बी से कट करो आपको सी मिल जाएगा। अभी एडी दिया हुआ है, देखो 60 इधर लिया, 6.2, सीडी 6.2 है, पहले वो मार्क कर लेते हैं। सी से कट किया और एडी कितना है, 5.3। This is ABCD quadrilateral. तो ये बन गया ABCD quadrilateral। आप इसमें डायमेंशनिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।